नमस्कार दोस्तों, आज फिर से एक मस्त मज़ेदार एक छोटा सा सफ़र लेकर आया हूँ। एकदम गुमशुदा है, जो लोग गुमशुदा ट्रैक चाहते हैं उसके लिए बेस्ट है। तो दोस्तों, आज मैं महाराष्ट्र के रायगढ़ ज़िले के पेन तालुका में आया हूँ। तो जहाँ जाना है दोस्तों, उस गढ़ किले का नाम है दोस्तों साक्षीगढ़। साक्षीगढ़ आप देख सकते हैं, छोटा सा है किंतु डेंजर है। तो इस किले की शुरुआत जो है, यह जीन की दरगाह है, यहाँ से हो चुकी है। ये जीन की दरगाह साल में एक बार खुलती है, पूजा वगैरह होती है, फिर बंद हो जाती है। तो दोस्तों, आप आना चाहते हैं बाई रोड तो पहले मुंबई से पनवेल और पनवेल से मुंबई गोवा मार्ग टर्न लेना है, और उसके बाद में करनाल आएगा, और करनाल के बाद में पेन आएगा, और पेन से दूरसेत रोड लेफ्ट साइड में 7 किलोमीटर आना पड़ेगा। तो वो 7 किलोमीटर बहुत ही ख़राब रोड है, प्राइवेट व्हीकल हो तो ही ठीक है। बाकी नज़दीक का रेलवे स्टेशन तो कह सकते हैं कि पनवेल है, जो 25 किलोमीटर की दूरी पर है। तो ट्रैक की शुरुआत हो चुकी है, तो यहाँ पर सह्याद्री ट्रेकर वालों ने, सह्याद्री प्रतिष्ठान वालों ने सूचना फलक बोर्ड भी लगाया हुआ है, तो भूलने का चांस है नहीं। तो चलो चलते हैं आगे। और ये सांक राजा का बनाया हुआ साक्षी किला है, सन 1500 की सदी में बना था, तो इस वजह से इस किले का नाम साक्षी किला पड़ा था। तो चलते हैं आगे की ओर। हाँ तो दोस्तों, मैंने बोला था कि ये किला थोड़ा डेंजर है, तो वो स्पॉट आ गया है ये वाला। ऐसा चढ़ना है और रोप पे रस्सी पकड़ के चढ़ना है, तो रस्सी किसी ने बांधी है, शायद कोई गया होगा। तो सोलो ट्रैक का यही प्रॉब्लम है, अकेले है, डेंजर भी है, सब कुछ अकेले को करना है। तो चलते हैं अभी ऊपर की ओर, चलिए। तो दोस्तों, आपने देखा होगा कि 10-15 मिनट की ट्रेकिंग के बाद दो तीन हार्ड जगह मिली, दो जगह, और 7-8 पानी की टांकी मिली। तो दोस्तों देख सकते हैं, 7-8 पानी की टांकी। तो दोस्तों, इसका इतिहास ये है कि यहाँ पर कई राजाओं का राज हुआ है, और जब आखिर में पोर्तुगीज का राज था, तब एक अहमदनगर का सुल्तान जफर खान नाम का राजा था, वो बार बार हमले करता था। तो इसे तंग आकर पोर्तुगीज ने ये किला और एक करनाला का किला एक करार के तौर पर ख़रीद के लिया, ताकि हमला ना हो सके। तो अब तक हमें 7-8 टाँकी मिली, और 15 मिनट में ऊपर आ गए हैं, और शायद अभी 10-15 मिनट लगेगी।
तो छोटा सा किला है, अभी 7-8 टाँकी यहाँ मिले तो पता नहीं आगे कितनी टाँकी मिलेगी। कहते हैं कि ये टाँकियों का किला है, देखते हैं 7-8 तो टाँकी अभी मिल चुकी है। बाकी व्यू वगैरह तो यहाँ से भी ज़बरदस्त दिख रहा है। हाँ तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि मैं टॉप पर आ गया हूँ, यानी आधा घंटा भी लगाने ऊपर आने में। वो सही में 20-25 पानी की टाँकी मिली, तो टाँकियों का किला कहते हैं। आप देख सकते हैं टाँकी, और इसकी रचना भी ऐसे गटर जैसे बनाई है ताकि पानी सेव हो सके। तो दोस्तों, इस तरफ करनाला फोर्ट आया और इस तरफ माणिकगढ़। तो दोस्तों, कहते हैं कि जब राजा संघ की करनाला की लड़ाई में मृत्यु हो गई थी, तो उसकी एक ही बेटी थी जिसका नाम था जगमाता। तो अपने पिताश्री की मौत की खबर सुनते ही उसने यहाँ से आत्महत्या कर दी थी। तो इसके नाम का यहाँ नीचे मंदिर भी है, छोटा सा मंदिर था वो, उसका ही था। तो दोस्तों, एकदम मस्त नज़ारा है, अच्छी ट्रेकिंग है, हर एक को आना चाहते फैमिली के साथ भी आ सकते हैं। और एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि ये कुछ लफंगे लोग अपनी कारीगरी करते हैं, कुछ कविता वगैरह लिखा है। तो दोस्तों, ये हमारे महाराज के किले हैं, किसी के बाप की जागीर नहीं है। गढ़ किला को तो ख़राब बिल्कुल ना करें, और कई जगह पर बाटली वगैरह फेंकी हुई है, तो बिल्कुल ऐसा गंदा ना करें दोस्तों। बाकी तो बहुत अच्छा व्यू, तो फिर उतरना भी एकदम आसान है। तो चलते हैं अभी नीचे की ओर, एकदम इजी रहेगा। तो मिलते हैं कुछ नई वीडियो में, चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर करें। बाय। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर सब्सक्राइब करें और बेल बटन को जरूर दबाएं।